सुन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। छठ का पहला अर्घ आज यानी कि 2 नवंबर को है। इस महापर्व पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ के इस पावन पर्व पर तमाम नेताओं ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर छठ की बधाई दी। उन्होंने लिखा, लोक आस्था और प्रकृति पूजा का महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा, आस्था एवं पवित्रता से परिपूर्ण सूर्य उपासना के पर्व छठ की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। छठ पूजा के माध्यम से जिस सामाजिक समता और समरसता के निर्माण का संकल्प हम लोग लेते हैं, उसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सभी लोग अपनाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, पूर्वांचल के मेरे सभी भाइयों और बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर सूरज देव और छठी मैया से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के परिवार को सुख चैन समृद्धि मिले। जय छठी मैया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर छठ की शुभकामनाएं और बधाई दी। बता दें कि देश के कई इलाकों में छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एसपीएन 9 न्यूज की तरफ से आप सभी को छठ की बहुत बहुत बधाइयां, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। एसपीएन 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।